अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम मैम। यस मैम आ रही है। एक सेकंड में जी, आज हमें स्टार्ट करनी है एंटीफोलिएट ड्रग्स। एंटीफोलिएट ड्रग्स जो है वो कौन सी है? हमारे पास आप लोगों को स्क्रीन शेयर नजर आ रहा है? यस मैम, लेकिन जूम नजर आ रहा है, लेक्चर नहीं नजर आ रहा। अच्छा, मैं हाँ जी, हमने एंटीफोलेट ड्रग्स स्टार्ट करनी है जिसमें हमारे पास आती हैं सल्फोनामाइड्स, ट्राइमेथोप्रिम एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स। ये तीन क्लास ऑफ ड्रग्स हैं, इनमें आगे से अलग अलग डिटेल्स हैं, ठीक है? यानी सल्फोनामाइड्स एक ग्रुप है, ट्राइमेथोप्रिम एक ग्रुप है और फ्लोरोक्विनोलोन्स का एक अलहदा से ग्रुप है, ठीक है? है क्या सल्फोनामाइड? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, सॉरी मैं यहाँ नाम नहीं लिखा, फर्स्ट एंटीमाइक्रोबियल एजेंट था जिसे हमने डिस्कवर किया। बैक्टीरियोस्टेटिक है ये, क्यों? क्योंकि एंटीफोलेट है, यानी उसके फॉलिक एसिड जो सिंथेसिस हो रही है बैक्टीरिया की वो उसको स्टॉप कर रहा है। वो मजीद उसको डीएनए नहीं बनने दे रहा और उसकी रेप्लिकेशन को स्टॉप कर रहा है, यानी और बैक्टीरिया उससे नहीं बन रहे, ठीक है? इसलिए ये बैक्टीरियोस्टेटिक है, बैक्टीरिया को खत्म नहीं कर रहा बल्कि उसकी फर्दर रेप्लिकेशन को स्टॉप कर रहा है। इफेक्टिव है अगेंस्ट बायोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के, पहले बहुत ज्यादा यूज होता था लेकिन अब उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स और रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है, जिसकी वजह से इसका यूज बहुत लिमिटेड कर दिया गया है। यूज इसका कॉम्बिनेशन में है, यानी कि ट्राइमेथोप्रिम के साथ मिला के या पाइरिमिथामिन के साथ मिला के फिर हम इसको यूज करते हैं। सल्फानिलामाइड से डिराइव किया है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो पाबा के अगेन पाबा से सिमिलर होता है। पाबा क्या है? पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड है जिसका ये स्ट्रक्चर शो किया हुआ है, ये पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड है और सल्फोनामाइड का इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब जहां पे जाके बैक्टीरिया को रेप्लिकेट करने के लिए, बैक्टीरिया की जब डीएनए सिंथेसिस हो रही होती है तो वो जहां के पाबा अटैच होता है और वो फिर आगे से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है। Then, sorry, हाँ, यहाँ पे पैरामाइनो बेंजोइक एसिड है, जहाँ पे पाबा की अटैचमेंट पाबा से डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है, डाइहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है, उससे फिर प्योरिन और फिर वो आगे उसका डीएनए बनता है। अब जहाँ पे ये पैरामाइनो बेंजोइक एसिड से पाबा से डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बनना था, यहाँ पे सल्फोनामाइड एक्ट करती है और ये स्टेप जो है हिंडर हो जाता है और ये नहीं बनता। जबकि जो ट्राइमेथोप्रिम है वो क्या करती है कि वो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जो था जिसकी रिडक्शन करा के उसे टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनाती है, उसको हिंडर करती है और इस स्टेप पे रोक देती है, ठीक है? तो ये सिमिलर है, इसका स्ट्रक्चर पैरामाइनोबेंजोइक एसिड के जैसे और ये अल्कलाइन पीएच पे काम करती है, आईवी एडमिनिस्ट्रेशन होती है इसकी। शॉर्ट एक्टिंग 4 to 8 hours है, इंटरमीडिएट एक्टिंग 8 to 12 hours है, लॉन्ग एक्टिंग 7 days के लिए देते हैं, 7 days उसका असर रहता है, ठीक है? मतलब एक डोज ही काफी होती है। और जो स्पेशल पर्पजेस के लिए यूज होती है उसमें मेफिनाइड, सल्फर सल्फाडाइजीन या सल्फासेलाजीन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपको इसका बताया कि जो माइक्रोब ससेप्टेबल होंगे सल्फोनामाइड से फिर वो एक्सोजेनस फोलेट को यूज करके अपना फॉलिक एसिड नहीं बना सकते, अपना डीएनए नहीं बना सकते, तो वो क्या करते हैं कि पाबा को यूज करते हैं कि वो फोलेट बनाए और फिर वो प्योरिन बनाता है। अब होता क्या है कि वहीं पे फोलेट सिंथेसिस इनहिबिट हो गई है और जब हम इसको कंबाइन कर देते हैं डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर के साथ जो कि हमारे पास ट्राइमेथोप्रिम है या पाइरिमिथामिन है, तो फिर हमें इसकी साइनर्जेस्टिक एक्टिविटी अचीव हो जाती है। समझ आ गई है ये वाली चीज? समझ आ गई है? सल्फोनामाइड सिर्फ इस स्टेप पे एक्ट करेगा जबकि डाइहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनने में जहां पे डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एक्ट करता है वहां पे ट्राइमेथोप्रिम और पाइरिमिथामिन एक्ट करते हैं, इसलिए हम इनको कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं ताकि जो कोई बच भी जाए यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में आने तक फिर वहां पे भी अपना एक्शन शो करते, ठीक हो गया? तो हमें इससे एनहेंस्ड इफेक्ट मिल जाता है, ज्यादा एफिकेसी अचीव हो जाती है।
आज के लेक्चर में सिर्फ यही एक समझने वाली बात थी, इसके अलावा कोई समझने वाली बात नहीं है। सारी वही चीजें हैं, क्या स्पेक्ट्रम होगा, पॉजिटिव के अगेंस्ट भी है, नेगेटिव के अगेंस्ट भी है, और क्या यूजेस हैं, क्लिनिकल यूजेस वगैरह वगैरह, सब कुछ ऐसा ही। ठीक है मैम, जरा दोबारा रिपीट कीजिएगा पिछला पॉइंट। बच्चे ये बताया है मैंने कि इस पॉइंट पे एक्ट किया सल्फोनामाइड में और इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है ट्राइमेथोप्रिम। जब हम इन दोनों को कॉम्बिनेशन में देंगे तो जो बैक्टीरिया यहाँ से बच के आ भी गए थे या जिनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी थी सल्फोनामाइड से और उनका ड्राईहाइड्रोफॉलिक एसिड बन गया, अब ट्राइमेथोप्रिम अगर साथ में दे दिया तो उनका टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड नहीं बन पाएगा, तो हमें साइनर्जिस्टिक इफेक्ट अचीव हो जाएगा। ठीक है? ठीक है मैम, थैंक यू। बोथ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट हम यूज कर रहे हैं। एनरोब्स के अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी पुअर है। रिकेट्सी में के केस में क्या होता है कि उसकी ग्रोथ स्टिमुलेट हो जाती है, और सुडोमोनास ओरिजिनोसा जो है वो इंट्रिंसिकली रेजिस्टेंट ही है इससे। ठीक है, रेजिस्टेंस इसकी कैसे डिवेलप हो सकती है, ओवर प्रोडक्शन हो जाए पावा की, या फिर फॉलिक एसिड सिंथेसाइजिंग एंजाइम कोई हो जाए उसकी प्रोडक्शन हो जाए जिसमें सल्फोनामाइड्स के लिए लो एफिनिटी हो, या फिर सल्फोनामाइड की इम्पेयर हो जाए परमिएबिलिटी और वो अंदर सेल के अंदर ही ना जा सके। फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या है, ओरल एब्जॉर्बेबल ड्रग्स दी जाती हैं, ओरल नॉन एब्जॉर्बेबल ड्रग्स दी जाती हैं, और टॉपिकल एब्जॉर्प्शन इसके स्टमक से और स्मॉल इंटेस्टाइन से है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे बॉडी फ्लूइड्स में, प्लेसेंटा में, फीटस में, हर जगह पे। लिवर में इसकी एसिटाइलेशन होती है और ग्लूकोरोनिडेशन होती है। ठीक है, यूरिन में इसकी एक्सक्रीशन है मेनली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से, और इसी वजह से रीनल फेलियर के पेशेंट्स में हम इसको जो है डोजेज को रिड्यूस कर देते हैं। सिंगल एजेंट्स में बहुत कम इसको यूज किया जाता है, एज सिंगल एजेंट हमेशा इसे जो है वो उसी के साथ यूज कर रहे हैं कॉम्बिनेशन बना के। जो फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन एक यूज है वो है ट्राइमेथोप्रिम, ये वाला जो कि डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज है, और सल्फामेथोक्सिजोल जो कि सल्फोनामाइड है। इन दोनों का इसमें ड्रग ऑफ चॉइस है हमारी निमोनिया में, टॉक्सोप्लाज्मोसिस में, नोकार्डियोसिस में और अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में। एब्जॉर्बेबल एजेंट्स का कहाँ पे यूज है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस में। सल्फीसॉक्सेजोल 4 times a day यूज की जा रही है, सल्फामिथॉक्सेजोल 2-3 times daily, सल्फाडायाजीन कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हैं पायरिमिथामिन के साथ, तो फर्स्ट लाइन थेरेपी है फॉर एक्यूट टॉक्सोप्लाज्मोसिस। टॉक्सोप्लाज्मोसिस क्या है, टॉक्सोप्लाज्मा भी एक माइक्रोबैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट काम करती है। ठीक है, इसके अलावा पायरिमिथामिन के साथ ही 1 gram 4 times अगर डेली देंगे तो वो लोडिंग डोज होती है जिसको फिर हम देते हैं 25 milligram वंस डेली डोज। उसके बाद पॉलिनिक एसिड साथ में हम देते हैं पेशेंट को ताकि बोन मैरो सप्रेशन ना आ जाए और जो एनीमिया की तरफ ना चला जाए पेशेंट। ओरल एब्जॉर्बेबल एजेंट्स हैं उनमें सल्फाटॉक्साइन है, लॉन्ग एक्टिंग है, ये कॉम्बिनेशन इसका पायरिमिथामिन के साथ मिलता है और ये सेकेंड लाइन एजेंट है इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। जो नॉन एब्जॉर्बेबल है, अच्छा नॉन एब्जॉर्बेबल के केसेस में होगा कि वो गट में एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ, तो इनका हमें कहाँ पे फंक्शन मिलेगा, इनका हमें लोअर जीआईटी में जाके, यानी के स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन पे जाके हमें इसका इफेक्ट अचीव होगा। ठीक है, और वहां पे यहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस में, एंटेराइटिस में, या फिर अदर बाउल डिजीजेस जो होंगी उनके केस में। जो टॉपिकल एप्लीकेशन है वो किस लिए, कि अगर कंजक्टिवाइटिस हो गया है या फिर ट्रैकोमा के केस में एज ऑइंटमेंट्स यूज होती हैं या ऑप्थल्मिक सॉल्यूशन। ट्रैकोमा भी कंजक्टिवाइटिस कंजक्टाइवा का इन्फेक्शन है और ट्रैकोमा जो है वो भी आईलिड्स का एक इन्फेक्शन होता है। सिल्फर सल्फाडायाजीन जो है वो बर्न वुंड्स जो होते हैं उसके केसेस में यूज किया था और मोस्ट कॉमनली यूज होता है ये। एडवर्स रिएक्शंस एलर्जी, फीवर, स्किन रैशेस, एक्सफोलिएटिव डर्माटाइटिस, फोटोसेंसिटिविटी, अर्टिकेरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, डिफिकल्टीज आती हैं यूटीआई में, एक्सट्रीम केसेस में स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में, सिंड्रोम क्या होता है, जो बहुत सी बीमारियों का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें भी रैशेज, आई चेंजेस और इसी तरीके से एलर्जिक रिएक्शन ये सब कुछ आएगा। इसके अलावा स्टोमेटाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, अर्थराइटिस, ये वाली सारी चीजें भी ये कॉज करते हैं। यूरिनरी ट्रैक में डिस्टर्बेंसेस क्या आएंगे, क्रिस्टल यूरिया हो जाएगा अगर लास्ट डोजेस में दी हुई है, हेमेंचूरिया हो जाएगा, हेमेंचूरिया क्या होता है, ब्लड इन यूरिन, या फिर इवन ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है यूरिन की, नेफ्रोसिस भी हो सकती है एलर्जिक नेफ्राइटिस के केस में।
हेमेटोपोएटिक डिफरेंसेस में क्या आता है, एप्लास्टिक एनीमिया की तरफ जा सकता है, ग्रैंडुलोसाइटोपेनिया, इसी वजह से हमने कहा कि हम इसको फॉलिनिक एसिड के साथ देंगे ताकि हम इन चीजों को अवॉइड कर सकें. ठीक है, खासतौर पर किनमें होता है, जिनमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी होती है, खासतौर पर उनमें हिमोलिटिक रिएक्शन आते हैं. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज में आगे हमारे जो आयरन बन रहा होता है वो हेल्प करनी होती है उसमें, इस वजह से. अगर लेट प्रेगनेंसी में दिया जाएगा इसको तो न्यूबॉर्न्स में कनेक्टाइटिस का चांस है. ये एक मेंटल इलनेस होती है जो कि इन्फेक्शन हो जाता है ब्रेन. मैम स्लाइड्स नहीं नजर आ रही. स्लाइड्स नहीं नजर आ रही. स्लाइड्स नहीं नजर आ रही कब से मैम? अभी 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 हाँ जी. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज क्या क्या कर रहा होता है, ये हमारे आयरन फॉर्मेशन जो हमारी बॉडी में हो रही होती है और हमारे जो आरबीसीज बन रहे होते हैं उनके डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा होता है, तो वहां पे उनमें डिफरेंस आ जाएगा जिसकी वजह जिन जिन पेशेंट्स में इसकी डेफिशिएंसी होती है उनमें फिर ये हिमोलिटिक डिसऑर्डर्स कॉज करता है. नेक्स्ट चीज ये कि प्रेगनेंसी, अगर लेट प्रेगनेंसी में हम इसको देते हैं तो कनेक्टाइटिस कॉज कर सकता है न्यूबॉर्न में, जो कि एक मेंटल इलनेस है. हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये फीटस में पहुंच जाता है, प्लेसेंटा को क्रॉस करता है और फीटस में भी इसके लेवल्स होते हैं. नेक्स्ट चीज आ गई हमारे पास ट्राइमेथोप्रिम पायरिमिथामिन. इसका हमने ये देख लिया कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहाँ है, कि इसने डाइहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेज को इनहिबिट करना है और डाइहाइड्रोफोलिक एसिड को टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनने देना. ये 50,000 टाइम्स लेस एफिशिएंट है. ठीक है, पायरामिथामिन जो है वो सिर्फ जो है इनहिबिट करता है प्रोटोजोअल जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें. ऑल राइट, अगेन वही कि उसी स्टेप पे उसने एक्ट करना है. रेजिस्टेंस इसकी कैसे डेवलप हो जाएगी, सेल परमिएबिलिटी रिड्यूस हो जाए या फिर ओवर प्रोडक्शन हो जाए डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज की, या फिर प्रोडक्शन हो जाए ऑल्टर्ड रिडक्टेज की जो रिड्यूस कर दे इस ड्रग की बाइंडिंग को, यानी कोई और डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के अलावा कोई और रिडक्टेज बन गया है जो कि खुद वहां पे जाके अटैच हो गया और उसने ट्राइमेथोप्रिम को अटैच नहीं होने दिया, या फिर वहां पे म्यूटेशन हो गई है जीन्स में. ओरली दी जाती है सल्फामिथॉक्सिजोल के कॉम्बिनेशन में, आईवी भी देते हैं, गट से एब्जॉर्ब होती है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होती है इंक्लूडिंग सीएसएफ, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देगी, ज्यादा लिपिड सॉल्युबल है. और जब हम इसको देते हैं तो इस तरह से कॉम्बिनेशन में देते हैं कि वन पार्ट हम देते हैं ट्राइमेथोप्रिम का और 5 पार्ट देते हैं सल्फामिथॉक्सिजोल के. प्रोस्टेटिक फ्लूइड में और वजाइनल फ्लूइड में इसकी ज्यादा अमाउंट एक्यूमुलेट हो सकती है होती है, जिसकी वजह से उन इन्फेक्शंस में इसका ज्यादा एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट है. जब हम ओरली दे रहे हैं, अगर अकेले इसी को दे रहे हैं तो 100 मिलीग्राम ट्वाइस डेली में देंगे एक्यूट यूटीआईज में, और अगर हम कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं तो वाइड वराइटी ऑफ इन्फेक्शन है उसके लिए, जिसमें अपर यूटीआई आ जाते हैं और नमूनिया आता है कॉमनली. डबल स्ट्रेंथ टेबलेट है जिसमें ट्राइमेथोप्रिम 160 मिलीग्राम है और उसे हमने ऐड किया 800 मिलीग्राम के साथ सल्फामिथॉक्सिजोल के, और ये हमने देनी है एवरी 12 आवर्स यानी 2 टाइम्स अ डे. ये यूटीआई के केस में. प्रोस्टेटाइटिस के केस में सिंगल स्ट्रेंथ टेबलेट देंगे. सिंगल स्ट्रेंथ में क्या हो गया कि पहले हमने 160 mg दी थी, अब हम इसको हाफ कर देंगे 80 mg और यहाँ पे 800 थी तो वो 400 mg हो जाएगी. और ये यूज होती है एज प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट इन रिकरेंट यूटीआई, यानी कि अगर पहले हो चुका है, रिकरेंट का मतलब होता है एक दफा हो चुका है और बाद में रिपीटेडली हो रहा है, स्पेशली इन वुमेन उसमें हम इसको यूज करते हैं. आईवी यूज इसका कहाँ है? आईवी यूज इसका है किस तरीके से, जो सिंगल स्ट्रेंथ बनती है 80 मिलीग्राम ट्राइमेथोप्रिम और 400 मिलीग्राम सल्फामिथॉक्सिजोल, वो हमने 5 ml में देनी है 60 ओवर द पीरियड ऑफ 60 टू 90 मिनट्स, यानी कि इन्फ्यूजन में देनी है, इंजेक्शन नहीं लगाना, इन्फ्यूजन के साथ ड्रिप में लगानी है. ठीक है, मॉडरेटली सिवियर टू सिवियर न्यूमोसिस्टाइटिस नमूनिया के केस में और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेप्सिस के केस में. इसके अलावा जिसमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्पीशीज हो बैक्टीरिया की, शिगेलोसिस, टाइफाइड फीवर या फिर यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन जो कि लिशमेनियासिस की वजह से या टॉक्सोप्लास्मोसिस की वजह से, और लिशमेनिया भी एक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे लिशमेनियासिस कहते हैं.
ओरल पायरेमिथामिन सल्फोनामाइड के साथ जहाँ यूज करनी है उसमें लिशमेनियासिस में, टॉक्सोप्लाज्मोसिस में और फेंसिपेरिया मलेरिया के केस में। एडवर्स इफेक्ट्स इसके सल्फोनामाइड्स के साथ मिलाने की वजह से भी आते हैं कि उसके सल्फोनामाइड्स के ज्यादा एडवर्स इफेक्ट्स हैं, वही चीजें हैं नोजिया, वॉमिटिंग, ड्रग फीवर, वास्कुलाइटिस, रीनल डैमेज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स। बच्चों कुछ दिमाग में जा रहा है समझने वाली चीज, एज इट इज इसमें है नहीं, यही सब रट्टा ही है, लेकिन आप लोगों को कुछ पता चल रहा है क्या है क्या नहीं है? मैम पता चल रहा है, ठीक है कर लेंगे याद। चलें ये अच्छी बात है कि कर लेंगे याद। बहुत ज्यादा डिटेल मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि आप लोगों को पता हो, या आप लोगों से मैं पूछूंगी भी नहीं, क्योंकि इन चीजों का आप लोगों को बस बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए। इतनी ज्यादा डिटेल ये भी नहीं कि आप लोग पूरा एक एक ड्रग का नाम सबका ना याद हो और सारी चीजें, वो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी आप लोगों से कि आप लोग उसको प्रॉपरली उस तरीके से करें, लेकिन ये कि आइडिया होना चाहिए आपको, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पता होना चाहिए, कोई स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट किसी ड्रग के साथ एसोसिएटेड है तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए, और स्पेसिफिक उसका क्लिनिकल यूज जो है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, फ्लोरोक्विनोलोन है बेसिकली, क्विनोलोन एक ग्रुप है जिसमें हमने फ्लोराइड को ऐड कर दिया तो वो हमारे पास फ्लोरोक्विनोलोन बन गए हैं। क्विनोलोन का स्ट्रक्चर था प्राइमरीली जो कि इफेक्टिव था ग्राम नेगेटिव के, और वो एक्सीलेंट हम उसे कंसिडर करते थे फॉर द लोअर यूटीआई इन्फेक्शन के केस में। जब हमने उसमें फ्लोरीन ऐड की तो वो हमारे पास फ्लोरोक्विनोलोन बन गए हैं, और अब वो एक्टिव हो गया है। पहले वो सिर्फ ग्राम नेगेटिव के लिए काम कर रहा था, अभी ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट भी एक्टिव है। पोटेंसी भी इसकी हाई हो गई है और स्पेक्ट्रम भी एक्सटेंड कर गया, क्योंकि अब ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों उसने कवर कर लिए हैं। इसके अलावा टिश्यू पेनिट्रेशन बेटर हो गई है और इजीली टॉलरेट हो जाता है। पहले यूज होता था नेलिडिक्सिक एसिड, अब जो यूज होते हैं उसमें नॉरफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, कैटीफ्लोक्सासिन, मॉक्सिफ्लोक्सासिन। इसको हमने फ्लोरोक्विनोलोन्स को 4 जनरेशन में डिवाइड किया है, जिसमें से यहाँ पे मैंने 2 मेंशन किए हैं और यही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये क्या करता है कि बैक्टीरिया की डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। कहाँ पे? डीएनए गायरेज जहाँ पे था, टोपो आइसोमेरेज 2 जो होता है, जो जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल सीजर है, वो टोपो आइसोमेरेज 4 इन दोनों को इनहिबिट कर देगा, और जो रिकॉइलिंग होती है बैक्टीरिया की, बैक्टीरियल डीएनए की जो कि रेप्लिकेशन के लिए जरूरी होती है, वहां पे जाके उसको स्टॉप कर देगा, जो कि नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन के लिए जरूरी होती है बैक्टीरिया में, उसको स्टॉप कर देगा, और वहां पे उसको जहां से उसने एक जगह से, ये आप लोगों को याद होगा हमने पढ़ा था कि 2 स्ट्रैंड्स डीएनए के होते हैं तो वो एक दूसरे के किड कॉइलिंग और अनकॉइलिंग हो रही होती है, याद है कुछ इस तरह का? यस मैम, डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया तो वो कॉइलिंग और अनकॉइलिंग हो रही होती है, तो वो जो सुपर कॉइल डीएनए होता है उसको रिलैक्स नहीं होने देता, और वो जो एक जगह से दूसरी जगह पे अटैचमेंट होती है, जैसे ए की टी से, जी की सी से, जो शुगर्स आपस में अटैच हो रही होती हैं, वो उसको नहीं होने देता, ठीक है, उसको हिंडर कर देता है। अच्छा, ग्राम नेगेटिव के लिए क्विनोलोन्स बेस्ट थी, तो फिर हमने उसका स्पेक्ट्रम इंक्रीज करके फ्लोरोक्विनोलोन्स बना दिया, और अब हमारे पास नॉरफ्लोक्सासिन आ गई जो कि लीस्ट इफेक्टिव है फ्लोरोक्विनोलोन्स की। उसके अलावा जो बाकी हैं वो हमारे पास इफेक्टिव हैं, जो इनको हमने फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन की ड्रग्स हैं। इसमें मेथामिसिलिन ससेप्टेबल स्ट्रेन्स जो हैं वो भी आ जाते हैं, वो भी कवर हो जाते हैं। एटिपिकल नमूनिया के केस में यूज करते हैं, लीजियोनेला में माइकोबैक्टीरिया, इसमें माइकोबैक्टीरियम टीबी और माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं, इन सब में हम इसे यूज करते हैं। रेजिस्टेंस इसकी बहुत कम है, मतलब आप 1% कह लें या लेस देन 1% है ये, क्योंकि 107 या 109 पेशेंट सॉरी ऑर्गेनिजम्स में से कोई एक है जो रेजिस्टेंट हो जाता है इससे। पॉइंट म्यूटेशंस हो जाती हैं क्विनोलोन बाइंडिंग में उस वजह से, या फिर परमिएबिलिटी उसकी कम हो गई है, और क्रॉस रेजिस्टेंस भी होगी, एक फ्लोरोक्विनोलोन से है तो दूसरे से भी होगी, सारे मेंबर्स से होती है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वेल एब्जॉर्ब्ड होती है, 80-95% अवेलेबिलिटी है इसकी, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होती है, सीरम हाफ लाइफ इसकी 3-10 आवर्स है, और लॉन्गर हाफ लाइफ है लिवोफ्लोक्सासिन की और गैमिफ्लोक्सासिन की। इसके अलावा ये कि इसे 1 डेली डोजेज में यूज करते हैं, और ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन में देखें तो जो एंटासिड्स होते हैं जो हम
पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए यूज करते हैं उसके साथ इसको हमने यूज नहीं करना, क्योंकि वो इसको डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट कैटाइंस जो हैं वो इसको इम्पेयर कर देते हैं. तो या तो उनसे हमने 2 घंटे पहले या उनके 4 घंटे बाद यूज करना है. ठीक है, रीनल मैकेनिज्म से एलिमिनेट होती है दोनों तरीके से, या ट्यूबुलर सिक्रीशन या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. यूटीआई के लिए बेस्ट है, बैक्टीरियल डायरिया के लिए. इसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, बोन्स में, जॉइंट्स में, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन जो भी हो रहे हैं, और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन है. सिप्रोफ्लॉक्सासिन ड्रग ऑफ चॉइस है प्रोफाइलेक्सिस के लिए भी और ट्रीटमेंट के लिए भी, एंथ्रैक्स के, गोनोकोकल इन्फेक्शन में भी, क्लेमाइडियल यूराइथ्राइटिस में, सर्विसाइटिस में, और सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन और मोक्सीफ्लॉक्सासिन टीबी के ट्रीटमेंट में भी यूज हो रही है. हमने पढ़ा कि माइकोबैक्टीरियम टीबी और माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स को भी ट्रीट करती हैं. न्यूट्रोपेनिक कैंसर के पेशेंट्स में प्रोफाइलेक्टिकली यूज हो रहा है. अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में इनहेंस ग्रैब पॉजिटिव एक्टिविटी है, और इसके अलावा जो एटिपिकल नमूनिया के एजेंट्स हैं उनमें भी यूज होता है. एडवर्स इफेक्ट्स में क्या है कि वैसे तो अच्छी टॉलरेशन है इसकी, बात हमने पहले भी डिस्कस की, लेकिन नॉजिया वॉमिटिंग डायरिया जो सब में है. इसके अलावा हेडेक, डिजीनेस, इंसोम्निया, स्किन रैश, एबनॉर्मल लिवर टेस्ट आ जाते हैं. इसके अलावा एक ये कि जो ग्रोइंग एडल्ट्स होते हैं जो अभी ग्रो हो रहे हैं और जिनमें ग्रोइंग बोन्स हैं, अगर हम उनमें इसको देंगे तो जहाँ पे भी ग्रोइंग कार्टिलेज होती है वहां पे ये उसको डेवलप होने से स्टॉप करती है, तो ये आर्थ्रोपैथी कॉज करती है. इसी वजह से हम अंडर 18 इयर्स ऑफ एज इसको नहीं देते. इसी तरह टेंडोनाइटिस कॉज करती है. टेंडोनाइटिस क्या है, टेंडन्स का इन्फेक्शन करती है, रेयर है लेकिन सीरियस कॉम्प्लिकेशन है. उसके भी यही रीजन है कि फिर हम इसे अंडर 18 इयर्स ऑफ एज नहीं देते, इसको अवॉइड करते हैं. ठीक है, एक एक क्लास करके मैं एंटीबायोटिक्स के आप लोगों को पढ़ा रही हूँ. ये डाइजेस्ट करना मुश्किल होती है क्योंकि बहुत रफ टॉपिक्स हैं ये, जब शुरू हो चुके हैं ना कोई समझने वाली चीज है ना कुछ है, बस यही चीजें हैं जो पढ़ते जानी है और पढ़नी तो है. जो आप लोगों को समझ नहीं आती वो मुझसे पूछ लें, बहुत ईजी टॉपिक्स हैं ये इस लिहाज से क्योंकि इनमें कुछ भी नहीं है डिटेल ज्यादा. सिर्फ आप लोगों को ड्रग की पहचान होनी चाहिए कि ये सल्फोनामाइड है, एंटीफोलेट है, मैकेनिज्म इसका क्या था, और कोई अगर बहुत खास इसका एडवर्स इफेक्ट हो या कोई खास क्लिनिकल यूज हो तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए. मैम हम स्लाइड से कर लें कि हम बुक से भी करें, क्योंकि बुक में तो इससे भी ज्यादा नाम लिखे हुए हैं ड्रग्स के. नहीं नहीं बच्चे, स्लाइड से काफी है आपके लिए. ओके मैम. अच्छा दूसरी चीज बच्चों ये कि आप लोगों का एक क्विज लेना है और नेक्स्ट ट्यूसडे को, ठीक है, फर्स्ट 5 लेक्चर्स का छोटा सा ही. क्विज आपने पहले लिया और अब आप एक और लेंगी तो इसकी 5-5% होगी दोनों क्विजेस की. जी बेटा 5-5 होगी. ठीक है मैम, दोनों क्विजेस के बाद हमारे 8 लेक्चर्स कवर हो जाएंगे, तो फिर मिड में आप इनके साथ मतलब कुछ कम करेंगे या ये सारे इंक्लूड होंगे और आगे से आप ऐड करेंगे जितने पढ़ लेंगे? बेटा देखेंगे कि हमारे कितने लेक्चर्स मिड तक हो चुके हुए होंगे. ठीक है, जितने ये देख लेंगे कि जितने आपके प्रिपेयर्ड हैं और जितने हम और ऐड कर सकते हैं जो कि इजीली प्रिपेयर हो सके. ठीक है, असेसमेंट्स का मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों का इम्तिहान दिया जाए और ये चेक किया जाए कि कितने पानी में हैं आप लोग. असेसमेंट्स का मतलब ये होता है कि हम आपको प्रिपेयर कराएं फॉर द फाइनल. ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं, लेक्चर्स प्रिपेयर्ड भी होंगे ना क्विज वाले, तो वो एक के बाद एक जिस तरह क्विज हमारे हो रहे हैं वीक में दो तो हो ही जाते हैं, तो अगर आप हमें प्रिपेयर्ड भी लेक्चर्स देंगे तो वो रिवाइज करने में इस तरह नहीं होते कि सारे एक साथ कवर हो जाएं, टाइम बहुत कम मिलता है. नेक्स्ट वीक ही है सिर्फ मिड के लिए भी. बच्चे मैं यही तो आपसे बात कर रही हूँ कि इस लिहाज से इसको देख के ही देंगे कि बहुत ज्यादा ओवरबर्डन ना हो जाए आप लोग, और आप लोगों की मिड से प्रिपरेशन हो, कोई मैं आप लोगों से जो है वो दुश्मनी ना निकालूं, आप लोगों की अच्छी तैयारी हो. मैम इसको इसकी कितनी वेटेज होगी? 5% और मैम इसकी भी 5% है. बेटा पिछले तो इसकी भी 5% थी और इसको इसकी भी 5% होगी. मैम लेकिन आपने कहा था पहले कि मैं बेस्ट वन काउंट करूंगी, तो आप वैसे ही कर लें. कभी भी नहीं कहा कि मैं बेस्ट वन काउंट करूंगी, मैंने कभी भी नहीं कहा.
तो मैम इस तरह कर लें आप, इस तरह पिछला कुछ हमारा सही नहीं हुआ था बच्चे, इसीलिए उसकी परसेंटेज कम रखी है ना, 5% रखी है कि बच्चों एक लेक्चर था वो सिर्फ, और फिर क्यों कह रहे हैं आप लोग के अच्छा नहीं हुआ। मैम उसका जो स्नैरियो था तो मुश्किल है, तो इसलिए कोई खास समझ नहीं आया था। बच्चों इसको अच्छा अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ठीक है इसकी जो अच्छा मैम तीन दफा तो वेबसाइट ही आउट हो गई थी, हम लोग तो कुछ कह भी नहीं सकते। यस मैम लास्ट में जो टाइम बचा था उसमें सबमिशन किए ठीक है, उसके बाद जब रिव्यू आया तो वो सबमिट ही नहीं हुआ है, वो हमारे दुख हमारे साथ ही हुए ना फिर। नहीं जिससे ऐसा नहीं है, वो जो आपने अगर सॉल्व किया हुआ होता है तो सेव होता है, LMS पे जाता कहीं नहीं है। मैं वो टाइमिंग आ रही थी ना, टाइमिंग आ रही थी क्योंकि अब फर्स्ट में ही दो दफा तो वेबसाइट से वो कुछ आ ही नहीं रहा था ऊपर ठीक है, वो अल्लाह अल्लाह करके दोबारा गए हैं, दोबारा किया तो वो शुरू से आ गया, फिर उसके बाद इंटरनेट को पता नहीं क्या हुआ है लेकिन इंटरनेट आ रहा था वैसे ही वो कुछ हुआ है, तो दो दफा तो वो ही नहीं शो हुआ, उसके बाद दोबारा से अटेम्प्ट किया, वो स्टार्टिंग से अटेम्प्ट करना पड़ रहा था उसमें, फिर भी टाइमिंग का तो हमारा ही कहेंगे ना कि हम लोगों ने मैनेज नहीं किया। मैम आप इस दफा गूगल फॉर्म पे ले लें। नहीं बच्चे हमारा जो है ऑफिशियल फॉरम LMS ही है और इसी पे टेस्ट होगा। मैम बस आप ये फेवर कर दें कि बेस्ट वन कर लें, इससे ये होगा कि फिर हमारे मैम यस मैम आप कर लें बेस्ट वन। अच्छा बेस्ट वन करना है या कौन सा करना है ठीक है। ठीक है मैम मैम कब है क्विज? नेक्स्ट ट्यूसडे को हम ये डिसीजन बाद में करेंगे कि हमने वेटेज 5% रखनी है या फिर हमने मैम लेक्चर कितने हैं 1 to 5। ठीक है बच्चों ओके मैम अल्लाह हाफिज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज बच्चों। Mm-hmm.